प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 में ओसीआर आधारित आकलन 3। आइए शुरू करते हैं। ओसीआर आधारित आकलन 3, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गांव में सभी किसानों ने खेत जोतकर बीज बो दिए, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। एक बूढ़े व्यक्ति ने राकेश को कहा, बेटा तुम भी अपने खेत में बीज बो दो। यह सुनकर राकेश ने खेत जोतकर बीज बो दिए। उस वर्ष बारिश अच्छी होने के कारण सभी के खेतों में पौधे लहलहाने लगे। राकेश ने सोचा, अभी फसल पकने में काफ़ी समय लगेगा। यह सोचकर उसने खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी पक्षी राकेश के खेत में अन्न चुगकर खाने लगे। राकेश ने कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई करवाई। उसके हाथ में कुछ ही दाने लगे। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह सोचने लगा, यदि समय रहते मैंने अपना कार्य कर लिया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। प्रश्न 1, राकेश के खेत से अन्न चुगकर किसने खाया? पशुओं, पक्षियों ने, कीड़े मकोड़ों ने? कोई नहीं, तो किसने खाया था? पक्षियों ने। प्रश्न 2, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है शशि, मयंक, चांद, चांदनी, तो चांदनी इसका पर्यायवाची नहीं है, शशि, मयंक, चांद चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 3, राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी? दोस्तों ने, माताजी ने, बूढ़े व्यक्ति ने? कोई नहीं, तो किसने दी? बूढ़े व्यक्ति ने। प्रश्न 4, सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है सुयोग, सुपर, सुबोध, सुराज, तो कौन सा नहीं है इसमें? सुपर। अगला, प्रश्न 5, खेत में बीज नहीं बोए किसानों ने, राकेश ने, सभी ने, किसी ने भी नहीं, तो किसने नहीं बोए थे? राकेश ने। प्रश्न 6, प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था, वाक्य में क्रिया शब्द है प्रमोद उमा सिक्किम ले गया, तो कौन सा है क्रिया शब्द? ले गया। प्रश्न 7, फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे, क्यों? उसने मजदूरों को पैसे नहीं दिए थे, उसने समय पर कार्य नहीं किया था, बारिश अधिक होने के कारण, अधिक मेहनत करने के कारण, तो किस वजह से? उसने समय पर कार्य नहीं किया था। प्रश्न 8, राधा, कविता व सूची की टैक्सी रवाना हुई थी श्रीनगर से, लद्दाख से, करगिल से, लेह से, तो कहाँ से रवाना हुई थी? श्रीनगर से। ये पहले वाले कार्यपत्रों को में आया, उसमें से प्रश्न है, तो आपको पहले वाले कार्यपत्रकों का भी ध्यान रखना है। प्रश्न 9, अशुद्ध शब्द है वर्ष, वर्षा, वर्षा, वर्षो, तो अशुद्ध शब्द है इसमें वर्षा। प्रश्न 10, क्रिया विशेषण है काली भैंस, मोटा आलू, लाल किला, तेज चाल, तो क्रिया विशेषण कौन सा है? तेज चाल। तो ये हमने समझा ओसीआर आधारित आकलन 3। आप भी इस प्रकार से आकलनों का अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।